इतना बदमाश है, ना खुद रनिंग कर रहा है और ना मुझे करने दे रहा है। जब मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तू जाना भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट एजे और वापस से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। ऐसे भी पीछे हो रहा था, मैं कर रहा था ये एक्चुअली वो ड्रामा कर रहा था मैं। रात को जब भी मैं सोने से पहले सोता था, उससे पहले ये सोचता था कि सुबह जल्दी उठूँगा और वॉक पे जाऊँगा, लेकिन कई दिनों से मैं बस सोच ही रहा था। लेकिन आज अलार्म बजने के पहले ही मैं उठ चुका हूँ और अभी समय हो रहा है 5 बज रहे हैं, लेकिन मैं 4:30 बजे ही उठा हूँ और तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने ये ड्रामा किया अभी, और मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए किया क्योंकि ये ऑफ कैमरा में ऐसे ही होता था। मैं 4-5 अलार्म लगा के सोता था, लेकिन फिर वैसे ही बंद करके सो जाता था। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग किया और ये ड्रामा था, मैं नाटक कर रहा था, शाबाश बेटा। रियल नहीं था। तो आज मैं सुबह उठ गया हूँ, तो अभी मैं उठ गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर टहल कर आ जाऊँ ताकि थोड़ी आदत बन जाए मेरी, नेक्स्ट डे से मैं टाइम से उठ पाऊँ और फिर निकल जाऊँ घूमने के लिए। तो अभी मैं शूज़ पहनूँगा, उसके बाद बाहर निकलूँगा, थोड़ा बाल बाल ठीक कर लूँ। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबी या कि घर आ जा, परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। शेरू कम आ जा, शेरू वही वही एक्साइटमेंट देख इसका। ओए भाई शेरू, ओए ओए शेरू, अरे रुक जा रुक जा रुक जा भाई भाई, लटक रुक, परेशान कर देगा तू मुझे भाई। चलो चलो भाई, ये कोला है सबने, सब आ गया भाई। चल भाग 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 भाई, हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे, अबे भाग ना, कहाँ आ रहा है? चलो रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। अबे रुक जा भाई शेरू, शेरू कम, शेरू कम, आया 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 शेरू आया। वही लड़ाई नहीं। अच्छा ठीक है, तेरे पास रहूँगा। एक मुझे कहाँ तक छोड़ने के लिए आया, रोड तक छोड़ने के लिए आया मुझे। इधर इधर शेरू शेरू इधर शेरू इधर। ये इतना बदमाश है, ना खुद रनिंग कर रहा है और ना मुझे करने दे रहा है। जब मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तू जाना अभी। मैं फ्रेश होकर रेडी हो गया हूँ और सारा काम आज लगभग लगभग मैंने सही टाइम पे कर लिया, और अभी मैं जाऊँगा स्कूल। तो छत पे आया तो देखा पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी, और ये छत पर जब मैं ऊपर आया तो देखा यहाँ पे एकदम हरियाली ही हरियाली छाई हुई। यहाँ पे हुरूर हुरूर के फ्लावर निकल चुके हैं, और ये कनैली क्या बोलते हैं, कनैल का, और एकदम पेड़ एकदम हरे भरे लग रहे हैं। 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी और मुझे एक गमले में पानी देना नहीं पड़ रहा था, अदरवाइज़ अगर बारिश नहीं होती थी तो ड्यूटी था सुबह और शाम को पानी देना होता था इस गमले में। खैर ये बिना पानी दिए हुए बारिश की वजह से एकदम फिर से ये हरी भरी हो गई है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ये मेरे घर पर थोड़ा सा बगान है, छत के ऊपर थोड़ा सा मिनी मिनी गार्डन है, और
अच्छा लगता है सुबह सुबह जब देखते हैं यहाँ पर, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो अब मैं स्कूल जाऊँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, और चलते हैं फिर। अब मैं अपने स्कूल पहुंच गया हूं, यूनिफाइड इंटरनेशनल स्कूल। चलते हैं स्कूल। और गार्ड साहब, गुड मॉर्निंग गार्ड साहब। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं गार्ड साहब? आई एम फाइन। फाइन एकदम। गर्मी कैसा लग रहा है? गर्मी ज़्यादा है क्या? बारिश गर्मी लग रहा है। अभी दो तीन चार दिनों से बारिश हो रही थी, मौसम बढ़िया था, लेकिन आज फिर से मौसम है ना गार्ड साहब? कोई बात नहीं, फिर से बारिश होगी, फिर से आप खुश हो जाएगा, है ना गार्ड साहब? Later that same evening. अभी समय हो रहे हैं 8:05 रह गए, और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज गाड़ी स्कूल वैन की और स्कूटी और वगैरह और कुछ गाड़ी की मतलब पूजा हो रही है, क्योंकि यार फास्टिंग में भाई सुबह से, क्योंकि मेरे से ये सब नहीं होता, मैं फास्ट में रह ही नहीं सकता, तो चलता हूँ लेकर। और बच्चे भी, हॉस्टल के बच्चे भी। सब प्रसाद के लिए रेडी है ना राम लक्ष्मण? क्या राम लक्ष्मण? दोनों साथ में खड़े हो जाओ, तो ट्विंस राम राम लक्ष्मण राम, अरे ये लक्ष्मण, अरे बच्चे पूजा के लिए। हम स्पेशल आदमी हैं। स्पेशल आदमी हो तुम, प्रसाद के लिए सारे बच्चे खड़े हैं ना? कैसे प्रसाद खाए, वो खाओगे? नहीं प्रसाद नहीं खाओगे? खाएंगे जरूर। प्रसाद तो मांग कर खाया जाता है, तुम बोले नहीं खाओगे? जी पागल है ना, चिड़िया है। सुबह से तो खा लिया होगा तुम, अगरबत्ती लेके खड़ा है, नहीं खाया तो? ऐसे भी पंडित जी है। अच्छा पंडित जी है, मुझे माफ है। सही है, फिर तो तुम ही करवा देते तुम। क्या कैसे अब मन तो कर रहा होगा तुम्हारा कि कब पूजा हो जाए और प्रसाद हम खा लें, लड्डू खा लें हम, है ना? गाड़ी का कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? यूनिफाइड इंटरनेशनल स्कूल। हाँ हाँ, मेरे कैमरे की भी पूजा हो गई, और शायद आज के बाद थोड़ा मेहनत ज़्यादा करूँगा और कैमरा भी मेरा साथ देगा, तो ब्लॉग हिट नहीं सुपर हिट होगी। क्या आनंद, सही बात है। ओके सर। क्या प्रिंस? हाँ सही बात है ना, मेहनत रंग लाएगी, है ना? हाँ। चलो अभी समय हो रहा है 10:30 और मैं अभी निकला हूँ स्कूल से घर जाने के लिए। और मुझे एक बात सडनली याद आया कि यार जब मैं शाम को मम्मी साथ में, एक्चुअली पापा साथ में मार्केट जा रहा था, तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि मौसमी का जूस लाने के लिए, और मैं भूल गया यार। मैंने भूला नहीं, एक्चुअली मैं सोचा बाद में लाकर दे दूँगा उनको, पास में ही मिलता है, लेकिन यार भूल गया और बच गए 10:30। अभी कोई मौसमी का दुकान भी नहीं खुला हुआ है कि मैं लाकर दे दूँ उनको आज। और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो शायद पहले ही दुकान सबने बंद कर रखा होगा, कर दिया होगा। मुझे पता है अभी उस बात के लिए रिग्रेट फील हो रहा है कि यार काश मैं ला कर दे देता मम्मी को, क्योंकि कल मम्मी की फास्टिंग है, पूरे दिन मम्मी फास्टिंग पे रहेगी, तो शायद आज रात को पी लेती, बट मैं वो कर नहीं पाया, भूल गया, और मैं उस बात के लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि नहीं दे पाया मम्मी को ला कर मैं। इसलिए कभी भी कोई काम याद आए तो उस काम को उसी टाइम उसी वक्त कर लेना चाहिए, ताकि देर ना हो। ओ, ओ भाई धूल देना हो। पपी पपी। अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर की तरफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सड़कें थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी
पाइप का वो पाइप सड़क के अंदर बिछ रहा है और ये पंडाल वगैरह दुर्गा दशहरा को लेकर पंडाल बनाया जा रहा है, तो इसी का पंडाल बना हुआ है क्योंकि कुछ दिनों में दशहरा फिर आने वाली है ना, इसलिए। अरे शेरू नहीं दिख रहा है मेरा, शेरू होगा आस पास ही, उसको आवाज़ लगाऊंगा पक्का आएगा। शेरू 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 यार शेरू नहीं दिख रहा कहीं। तो अब मैं अपने घर पे पहुंच गया, अब समय हो रहा है 11:10 और अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। वैसे आज कुछ खास करने को था नहीं, वो सुबह मैं उठा था जल्दी और एक्सरसाइज किया, आज कंटिन्यू किया एक्सरसाइज, क्योंकि काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक्सरसाइज करूँगा लेकिन हो नहीं पा रहा था, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। तो आज से मैं ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगा और देखता हूँ कब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। और आज कुछ खास करने को था नहीं, तो बस आज की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए शुभ जाति सेवा कर। और हाँ एक बात, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है हाँ या ना। वैसे आपकी डेली रूटीन क्या है आप बताइएगा।